जब भी हम कोई वाहन खरीदते हैं तो हमें उसका इंश्योरेंस करवाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वाहन का बीमा भी दो तरह का होता है, एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और दूसरा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब समस्या ये हो जाती है कि इन दोनों में से कौन सा बीमा खरीदना चाहिए। इसके अलावा व्हीकल इंश्योरेंस खरीदना क्यों जरूरी होता है, वाहन बीमा के क्या फायदे होते हैं, इन सभी बातों की हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम एक अच्छा वाहन बीमा खरीद पाते हैं। वाहन बीमा खरीदना हमारे लिए काफी जरूरी होता है। जब भी हम वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। दुर्घटना होने पर दुर्घटना करने वाले या फिर दूसरे व्यक्ति को भौतिक तथा शारीरिक रूप से नुकसान हो जाता है। कई बार कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अगर आपके पास ये बीमा नहीं होता है तो कोर्ट की सुनवाई के बाद ये सारी राशि आपको ही भरनी होती है। अगर आपके पास वाहन का बीमा होता है तो ये पूरी राशि बीमा कंपनी देती है। अब ये इंश्योरेंस भी टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जिसमें बीमा करवाने वाले तथा दुर्घटना में ग्रस्त होने वाले दूसरे व्यक्ति तथा उसकी गाड़ी दोनों को क्लेम मिलता है। इसे फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। इस बीमा को लेने के बाद यदि आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या फिर किसी दुर्घटना में बुरी तरह से खराब हो जाती है तो उसका क्लेम आपको मिल जाता है। गाड़ी के चोरी होने पर आपको गाड़ी की मार्केट वैल्यू मिल जाती है। इस बीमा की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर बीमा को लेने वाला व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी खुद की गाड़ी तथा दूसरे व्यक्ति की गाड़ी बुरी तरह से खराब हो जाती है तो उसे सुधारने का पूरा पैसा बीमा द्वारा मिल जाता है। अब ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जिसमें आपके द्वारा दुर्घटना होने पर सामने वाले को हुई हानि का क्लेम सामने वाले को मिल जाता है। इससे समझने के लिए मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है राहुल, उसने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया हुआ है। अब उसकी बाइक से दूसरी बाइक को टक्कर लग गई। इस टक्कर में दोनों व्यक्ति के शरीर में चोट लगी, उसकी हड्डी टूट गई और उसकी बाइक भी टूट फूट गई। इस टक्कर में राहुल की बाइक में थोड़ी सी टूट फूट हुई। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने के नाते दूसरे व्यक्ति का जितना भी नुकसान हुआ उसका क्लेम राहुल की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी देगी, वहीं राहुल की बाइक में जितनी भी टूट फूट हुई है उसका क्लेम उसे नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति की बाइक यदि चोरी भी हो जाती है तो उसे उसकी बाइक का पैसा भी नहीं मिलता, क्योंकि यह बीमा उस व्यक्ति का होता है जिसको आपकी गाड़ी से हानि पहुंचाने वाली है। फर्स्ट पार्टी बीमा लेने का एक्सीडेंट करने वाले तथा एक्सीडेंट में घायल होने वाले दोनों व्यक्ति की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाती है तथा गाड़ी के चोरी होने पर भी उसे क्लेम दिया जाता है। वहीं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में उसे क्लेम मिल जाता है जो दुर्घटना में बीमा लेने वाली की गाड़ी से घायल हुआ है या उसकी गाड़ी से टूट फूट हुई है। इसमें बीमा को खरीदने वाले व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता, उसे बस इतना लाभ होता है कि उसे अपनी जेब से इस नुकसान की भरपाई नहीं करनी पड़ती है। अगर आपके पास फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। इसके लिए 2000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। इसलिए गाड़ी चला रहे हैं तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सही लेकिन जरूर करवा लें।